पूरा टिकटॉक को ये चैलेंज है, करके दिखाओ। पब्लिक बुलाओ जिसको नाचना है, शर्त लगाओ ये ये तो गाइस आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में एडवांस लेवल की डबल रोल एक्टिंग वाले जिस वीडियो को देखा गाइस मैं आपको बता दूं किस तरह का दोस्तों डबल रोल वाला एक्टिंग मूवीज में आपको देखने को मिलता होगा। पर गाइस मैं आज आपको आपका जो मोबाइल का एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइन मास्टर उसी के हेल्प से मैं कुछ इस तरह का दोस्तों डबल रोल वाला वीडियो बनाना सिखाने वाला हूँ। तो इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे स्टेप वन पे क्या कीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पर किसी एक कलर के दीवार के सामने आपको चले जानी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर का एक्टिंग कुछ इस तरह से आपको कर लेनी होगी। देख सकते हैं यहाँ पर जिस प्रकार से मैं अपने फर्स्ट कैरेक्टर का एक्टिंग कर रहा हूँ आप भी सेम टू सेम इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद गाइस आपको सेकंड कैरेक्टर का एक्टिंग यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको घूम घूम के कर लेनी होगी। जिस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर दोनों पार्ट को एक्टिंग करके दिखाया है सेम टू सेम आप भी कुछ इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद आपका वन एंड ओनली एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो काइन मास्टर है उसको बस आपको ओपन करना है। तो गाइस चलिए अपने काइन मास्टर को आप ओपन कीजिए, मैं जाकर आपको वहाँ पर आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख पा रहे हो मैं अपने स्मार्टफोन के काइन मास्टर को ओपन करके रखा हूँ। अब आपको बीच में यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पर गाइस आप जिस एक्सपेक्ट रेशियो पे दोस्तों आप वीडियो बनाना चाहते हो उस वाले एक्सपेक्ट रेशियो को गाइस आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। मैं दोस्तों आपको दिखाने के लिए यहाँ पे 16:9 एक्सपेक्ट रेशियो में सिलेक्शन करके मेरा जो काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। अब दोस्तों आपको जो राइट साइड में यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, आपको इस वाले मीडिया पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से आपका जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग किया हुआ वीडियो है उसको आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन करनी है। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फर्स्ट रिकॉर्डिंग किया हुआ वीडियो उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आपको इस वाले वीडियो के ऑडियो कुछ इस तरह से आप म्यूट कर लीजिएगा। म्यूट कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस तरह फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद आपको जो राइट साइड में यहाँ पर लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना है। और दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया पर क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा दोस्तों। और यहाँ से गाइस आपका जो सेकंड रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको फ्रेंड्स आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा सेकंड रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको इस वाले बॉक्स में क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्शन कर देना होगा। जैसे आप इसमें सिलेक्शन करते हैं जो आपका वीडियो है कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में हो जाएगा। अब दोस्तों इस वाले वीडियो को फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कोरमाकी निकालना होगा। तो और कोरमाकी निकालने के लिए देख सकते हैं आपको यहाँ पे कोरमाकी का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको दोस्तों इस वाले कोरमाकी के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पर गाइस जो आपको की कलर सिलेक्शन करना होगा वो गाइस आप जिस कलर के दोस्तों आप दीवार के आगे गाइस आप यहाँ पे वीडियो बनाए हैं उस वाले कलर के दोस्तों आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको यहाँ पे इनेबल कर देना होगा। उसके बाद गाइस आप इस वाले ऑप्शन पर आप सिलेक्शन कीजिएगा कुछ इस तरह से। इसको फ्रेंड्स आप यहाँ पे अच्छे से आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। देख सकते हैं बाकी का जो बैकग्राउंड यहाँ पर ब्लैक है और मेन मेरा जहाँ पर कैरेक्टर होगा वहाँ पर गाइस कुछ इस तरह से व्हाइट टाइप का होगा। तो यार आपको भी कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेनी होगी। एडजस्ट कर लेने के बाद आप यहाँ से ओके कर लीजिएगा। ओके कर लेने के बाद गाइस आपका जो मेन फाइल होगा यानी फर्स्ट रिकॉर्डिंग किया उसमें क्लिक करना होगा। और इसमें भी फ्रेंड्स आप ये 3 डॉट दिख रहा होगा, इस वाले 3 डॉट में क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट बना लीजिएगा। और उस वाले डुप्लीकेट का दोस्तों इस वाले बॉक्स में क्लिक करके आप इस वाले ऑप्शन पर आप सिलेक्शन करके फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा। मेरा गाइस यहाँ पे साइड में आप खिड़की हो इसलिए गाइस मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन पर सिलेक्शन कर रहा हूँ। और कुछ इस तरह से खिड़की को छोड़ के गाइस मैं यहाँ पे इतना दूर तक मैं अपने वीडियो को बैकग्राउंड को रखूंगा। रख लेने के बाद सेम आपको भी इसका व्यू फ्रेंड्स आपको इसी तरह से आपको कोरमाकी में क्लिक करना होगा। और इसका भी दोस्तों आपको यहाँ पे कोरमाकी निकाल लेनी है कुछ इस तरह से, देख सकते हैं जिस प्रकार मैंने किया आप सेम टू सेम आप कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपको अपना वीडियो को प्ले करना है। और प्ले करके दोस्तों जहाँ फ्रेंड्स आपका जो सेकंड कैरेक्टर है आपका जो मेन कैरेक्टर होगा उसके आगे आ रहा है उस जगह को फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सर्च करनी होगी कुछ इस तरह से। गाइस आप इस जगह पर आप आइएगा कुछ इस तरह से, आप इस जगह पर आप आइएगा। आने के बाद आपका जो दोस्तों जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसमें क्लिक करना होगा। और आपको जो सीजर दिख रहा होगा इस वाले सीजर में क्लिक करके आप गाइस इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस साइड वाला पार्ट को आपको हटा लेनी होगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का जो ऑडियो है मैंने इसी वाले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, आप इस वाले वीडियो में उस वाले ऑडियो को लगा लीजिएगा। लगा लेने के बाद अब अगर अपना वीडियो को अगर आप प्ले करके आप देखोगे शुरू से तो आपका वीडियो अभी कुछ इस तरह से दिखेगा, देख सकते हैं। तो यार इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके कुछ इस तरह का दोस्तों एडवांस लेवल की आप डबल रोल वाला एक्टिंग का वीडियो आप शूट कर सकते हो। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको जो ये शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले शेयर में क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना फाइल को एक्सपोर्ट कर लेनी होगी। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो यार आपको पता है आपको क्या करना है। अब दोस्तों बिना किसी तरह के चलिए वीडियो पर अभी एंडिंग लगाते हैं। बाय बाय।